नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 5 और 6 अक्टूबर इन दो दिन मंगल और चंद्रमा का एक साथ मिलना धन योग का निर्माण करेगा, यानी मां लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा। तो आपकी राशि के लिए यह योग कितना लाभप्रद है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। चंद्रमा एक सुंदर स्त्री ग्रह है, मंगल शूरवीर ग्रह है और चंद्रमा और मंगल का मिलन अच्छा माना गया है, यानी कि लक्ष्मी का आना। मंगल आक्रामक है, तेज है, गुस्सा है, लेकिन चंद्रमा शांत है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो चंद्रमा जो है मंगल के जो अशुभ प्रभाव हैं, जैसे गुस्सा होना, जल्दी जल्दी बातें करना, रूठ जाना या बिना सोचे समझे चीज़ों को करना, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। जब मंगल कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर वो शुभ फल देने लगते हैं। जब आप बेकाबू होते हैं तो आपको संभालना मुश्किल होता है, कोई आपको काबू में कर ले फिर आप बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और अपने अच्छे कामों से लोगों को फायदा देते हैं। तो इसी प्रकार से जब चंद्रमा और मंगल का मिलन होता है तो शुभ भावों में शुभ परिणाम मिलते हैं और चंद्रमा जो है मंगल के आक्रामकता को रोककर उनसे अच्छे परिणाम आपको दिला देते हैं और चंद्रमा भी उसमें सहयोग करते हैं, यानी कि लक्ष्मी योग बन जाता है। तो 5 और 6 अक्टूबर को ये योग आपकी गोचर कुंडली में बनेगा। अब आपकी राशि को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार, और ये जो जानकारी है ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो अष्टम भाव में ध्यान से देखिए, गोचर कुंडली अष्टम भाव में ये चंद्र और मंगल का योग बन रहा है। अष्टम भाव को अच्छा घर नहीं माना जाता है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट हो सकता है, लेकिन इन कष्टों में कहीं ना कहीं कमी भी आपको देखने को मिलेगी। तो जब चंद्रमा और मंगल दोनों का मिलन होगा अष्टम भाव पे तो कुछ शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो सावधानी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ सकती है, शनि की 7:30 चल रही है तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप हिम्मत और सावधानी से काम करेंगे तो शुभ परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। आपके अंदर काम करने का जज्बा होगा, ताकत होगी, संकल्प होगा, दृढ़ शक्ति होगी, काम होगा, सारे काम बनेंगे, लेकिन छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, कठिनाइयों के साथ होगा, लेकिन चंद्र मंगल का यह योग कठिनाइयों को बहुत कम कर देगा, ना के बराबर, तो ये आपके लिए शुभ है। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार जो है वो ठीक रहना चाहिए, नहीं तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। गुस्से को कंट्रोल पर करें, जुबान को कंट्रोल पर रखें, व्यवहार में नम्रता लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करें। छोटे भाई बहन से तनाव हो सकता है, अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, कहीं सुनी बात इधर उधर की बातों पर आकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कहने का अर्थ है कि आप खुद पर और खुद की जुबान पर बहुत काबू रखें तो बेहतर रहेगा। पराई स्त्री या पराई पुरुष के चक्कर में पड़कर आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आप अपने भाई का ख्याल रखें, विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेना आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पति पत्नी की आपसी अनबन जो है वो घर के बाहर ना जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। तनावों से मुक्ति पाने के लिए आपको शांत रहना होगा और एक दूसरे की बात समझनी होगी, बोलना नहीं है सुनने की भी आदत डालनी है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसे इन दो दिनों में टाल दें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको नजर लग सकती है जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, शॉर्टकट से पैसा कमाने में नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा हैं। परेशानियों से बाल बाल आप बचेंगे, सगे संबंधियों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दिमाग को शांत रख के ही कोई भी बात करें, कहीं पर भी कोई बात करें। नौकरी, व्यापार और शिक्षा में आ रही बाधाएं सिर्फ आपके व्यवहार और आपके द्वारा की गई बात से ही दूर हो सकती है, वरना आप नहीं उल्टा सीधा कर दें, कोई गलत व्यवहार कर दें तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से चले, आपने थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल किया तो ज़बरदस्त लाभ होने की भी 100% गारंटी है। आपका कोई भी काम आपके मनोबल से बनेगा तो अपने मनोबल को नीचे मत होने दीजिएगा। ईमानदारी से रिश्ते निभाएं, ईमानदारी से काम काज करें, परेशानियाँ ना के बराबर आएंगी। अपनी मेहनत और अपने दिमाग पर पूरा भरोसा रखें, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और लाभ के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लाभ होगा, बुद्धि से बुरा वक्त टल जाएगा। तो चंद्र और मंगल का धन योग आपके बुरे वक्त को कम कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि समाप्त कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ा सा ग्रहों ने मेहनत करी तो दोनों की मेहनत मिलकर एक अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है। तो घबराने की आवश्यकता कुंभ राशि वालों को नहीं है, बस भटकाव नहीं होना चाहिए।
आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, मंगल से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, क्योंकि ये दो दिन समझदारी से आप धनवान जरूर बनेंगे। कोई चिंता, कोई परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, ग्रहों से संबंधित समस्याएं हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। हरिओम, नमस्कार।